अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लेवल पर काम कर रही आंगनबाड़ी मुलाजिमों की ओर से रोष प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र गिद्दरबाहा प्रशासन को दिया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी मुलाजिमों की ओर से कहा गया कि कोरोना ड्यूटी निभाते हुए अगर उनकी वजह से उनके परिवार के किसी भी मेंबर को कोरोना होता है तो सरकार उनके परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा सरकार की तरफ से दिया जाए। इस दौरान उनके साथ लाल भट्टा मजदूर यूनियन, ई रिक्शा यूनियन, पंजाब निर्माण यूनियन के मेंबर भी मौजूद रहे। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन सीटू की जिला प्रधान अमृतपाल कौर चहल ने कहा कि देश भर में यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी दौरान फ्रंट लेवल पर काम करते हुए कई आंगनबाड़ी मुलाजिम कोरोना की शिकार हो चुकी है, जबकि कई वर्कर तो अपनी जान भी इस वजह से गंवा चुकी है, मगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर लाल भट्टा मजदूर यूनियन के प्रधान नत्थू राम ने कहा कि सरकार को चैन की नींद नहीं लेने देगी, समूचे हिंदुस्तान स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की जथेबंदी नाल अज लाल झंडा पंजाब भट्टा मजदूर यूनियन, भारत निर्माण मजदूर यूनियन और पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन के साथी ई रिक्शा यूनियन के साथी इन्होंने सपोर्ट दे आए हैं। मंग पत्र उ पुराने मंगा है जो कि मजदूरों ना इन्होंने बीबिया जिन्ना काम करते हैं वो मुताबिक इन्हों कोई भी मान पत्ता नहीं मिलता। पिछले टाइम के सरकार ने जो नूतन वेतन जो वाधा किया पूरे पंजाब के पूरे आल इंडिया पंजाब उन्होंने तो लाल लकीर भेजती जी की कहें है भी मजदूर कुछ नहीं दे कहना मा भाव यह है जो कि सरकार हिटलर राज फिर दोबारा तो कायम करना चाहते हैं। एक आज जो महामार के मुताबिक जो सरकार ने ये आड़ मजदूर का इन्ना कांड किया है जिन्हें कोई सोच नहीं सकता। उस करके असी इस प्रोग्राम के उत्ते सारी जथेबंदियों ने यह निर्णय लिया भी इस सरकार को चैन की नींद नहीं बैठन देवे। पूरे हिंदुस्तान पद्धर से यह लड़ाई जानी है। मजदूर बहुत औखा है, कोरोना की मार से मरे ना मरे लोगों भुखे जरूर मार देंगे, ये कोई शक नहीं। सरकार इस वेले ध्यान देन, मजदूर का बड़ा हाल है। ये साथ हूँ ई रिक्शा लिया है, सारे दिन के 100-150 रुपये मसा कमाते हैं, असवारी मिलती नहीं, दुकाना के कोई ऐसा सिस्टम नहीं। असी कहने भी जो भी है 7500 रुपया जो टैक्स के घेरे तो बाहर है सरकार 6 महीने लगातार उन्होंने खातों में पावे। रेहड़ी वाले है, ई रिक्शा वाले है, दूजे रिक्शा वाले है, टैंपो वाले है, जोड़े गंडन वाले है, पट्ठा मजदूर है, एडा बुरा हाल हो गया। और उस करके ये गल कहने जावे अज पट्ठों के उत्ते कोई किरत कानून के नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। हूँ जो लेबर इंस्पैक्टर है जो कि अपने तहसील तीन पैंदियाँ गिदड़वा मलोट लंबी लेबर इंस्पैक्टर सिर्फ एक दिन बैठते मलोट, बाकी सारा हफ्ता उत्थे लाउंदे मुक्तसर। ये भी असीं मंग करते हैं भी इत्थे घट्टो घट्ट भी 3 दिन मलोट भी बैठे ता कि मजदूरों के मुश्किल सुनिया जा। इन्ना कहता होया जी जो साडा जिहड़ा प्रोग्राम हैगा जी पूरे देश भर के आंगनबाड़ी वर्करां हैल्परां वल्लों अपनियां मंगां नूं लैके कीता जा रहा है। जगह जगह पर रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं। SDM राही, तहसीलदार राही, तो DC साहब राही या CDPO राही असीं मंग पत्र दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नूं मंग पत्र दे रहे हैं ताकि साडियां जिहड़ियां हैगियां पहलां वालियां मंगां वल ध्यान किया जाए। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते फ्रंट लैवल से असीं काम कर रहे हैं तो अजे तक साडी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, ना ही कोई साडी मंग वल किसी वल ध्यान दिता गया। अज असीं जिला श्री मुक्तसर साहब के ब्लॉक गिदड़वा दे विच प्रोग्राम कर रहे हैं, लंबी मलोट मुक्तसर असी पूरा जिला कवर किया होया सीटू यूनियन वालों। तो असी अपनियां मंगां साडियां मेन उही है कि कोरोना वायरस के चलते समय सानू 50 लाख के बीमे के घेरे में लिया जाए। जे साडे परिवार को साडे करके कोरोना वायरस हुंदा है तो उन्हां दी सेहत वास्ते 10 लाख का बीमा असी मंगिया होया जिहदे विच सरकार नूं गौर करनी चाहीदी है। क्योंकि जदों तो असी फ्रंट लैवल ते काम करदे हां बहुत सारियां जिहड़ियां आंगनबाड़ी वर्करां हैल्परां कोरोना दीआं शिकार होईआं, तो अपने इंडिया के काफ़ी मौतों भी कोरोना वायरस करके आंगनबाड़ी वर्कर हैल्पर दी हो चुकी हैं। पंजाब सरकार तो मांग करते हैं कि साडा कट्टिया होया मान पत्ता 600 ते 300 जो लागू किया जाए, सुपरवाइजर की भर्ती जल्दी की जाए, तो कोरोना वायरस के चलते हुए फ्रंट लैवल वर्कर मनिया जाए, तो साडे मान पत्ते दे विच वाधा करके सानू जल्दी तो जल्दी रैगूलर किया जाए। 3 तो 6 साल के बच्चे जिहड़े आंगनबाड़ी सेंटर पहल की तरह वापस किए जाण, तो कट्टिया होया मान पत्ते का जिहड़ा बकाया वह भी तुरंत लागू किए जाण। एडवाइजरी बोर्ड दी जिहड़ियां तनखाहां वह जल्दी तो जल्दी जिहड़े बकाए रहिंदे आ वो साडे खात्यां विच पाए जाण। सरकार तो उम्मीद करते हैं
कि जल्दी तो जल्दी साड़ियां मंगा मनणगे, क्योंकि अज असी ललकार दिवस है जिहड़ा अपनियां मंगा संबंधी रखिया स्पैशल। असी 10 जुलाई नूं हर साल डिमांड डे मनाउने आ, तां इस वार असी इस नूं ललकार दिवस दे रूप विच पूरे भारत दे विच मना रहे हां। गिद्दर बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।